गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज एक बहुत विशेष क्लास है पॉलीसाइफोनिया की, लाइफ साइकिल। पॉलीसाइफोनिया एक ऐसा एल्गा है जिसकी लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक एंड डिप्लोबायंटिक टाइप की होती है। यदि आप इस क्लास को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तब यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है 5 स्टार, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं और कमेंट हो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका स्वागत है मेरी आज की क्लास में और यूट्यूब चैनल पर भी। पॉलीसाइफोनिया एक ऐसा प्लांट है जो ट्राइफेजिक होता है। ट्राइफेजिक से मीनिंग इसमें 3 तरीके की प्लांट बॉडी मिलती है। तो फर्स्ट तरीके की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट प्लांट, हैप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर सिंगल सेट होता है और इसे हम एक्स या एन कहते हैं और ये हैप्लॉइड फेज होता है। इसमें एक्वेटिक प्लांट है, मेनली मैरीन समुद्र में मिलता है और ये आप देखिए बहुत ज्यादा ब्रांच्ड थैलस होता है इसका। इसमें एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो जमीन पर रहता है और ये आपका एरियल इरेक्ट सिस्टम है। ये जमीन पर रहने वाला प्रोस्टेट सिस्टम जो सरफेस पर रहता है, ग्राउंड पर रहता है। सबसे पहले लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा लंबी होने के कारण कुछ इसमें नए टर्म्स यूज हुए हैं। मैं चाहती हूँ आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाएं, इन्हें अपने माइंडसेट में डाल लें जिससे कि आपको आगे पढ़ने में बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी। और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो लेक्चर को हाथ के हाथ याद कर ले और अच्छा टीचर भी वही होता है जो लेक्चर को याद हाथ करा पाए। तो आप भी अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। पहले उन टर्म्स को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं जो कि आपको थोड़े नए नए लग सकते हैं। सपोर्टिंग सेल, ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल सपोर्टिंग सेल, जो आगे चल के पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। इस सपोर्टिंग सेल से डेवलप होता है कार्पोगोनियल फ्लामेंट। इस कार्पोगोनियल फ्लामेंट माने फीमेल फ्लामेंट और इस फीमेल फ्लामेंट कार्पोगोनियल फ्लामेंट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कार्पोगोनियम। देखिए कार्पोगोनियल फ्लामेंट के ऊपर कार्पोगोनियम, ये एक फ्लावर वेज जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और उसके आगे एक लॉन्गिट्यूडनल लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्राइकोगाइन कहते हैं। सपोर्टिंग सेल से आगे चलकर बेसल स्ट्राइ, ये 3D या 4D डायग्राम की तरह आप समझ लीजिए, जैसे एक किताब है मोटी सी तो उसके चारों तरफ से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, आगे भी पीछे भी लेफ्ट भी और राइट भी। तो बेसल स्टेराइड इनिशियल डेवलप होते हैं बेस से और लेटरल स्टेराइड इनिशियल्स। इसी सपोर्टिंग सेल के ऊपर कार्पोगोनियल फिलामेंट भी डेवलप है और बेसल स्टेराइड इनिशियल और लेटरल स्टेराइड इनिशियल भी डेवलप हो रहे हैं। बाद में चल के एक और सेल डेवलप होती है ऑक्सिलरी सेल, स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विशेष रूप से मेरी ये क्लास है लेकिन उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मेन मेन स्पेलिंग्स भी याद करिए और लैंग्वेज हिंदी में लिख दीजिए। तो ऑक्सिलरी सेल AUXILIARY। आगे चल के ये सब मिक्सअप हो जाकर बनाता है गोनियोब्लास्ट, आप बस टर्म्स याद कर लीजिए गोनियोब्लास्ट इनिशियल्स। और ये सारे स्ट्रक्चर्स सपोर्टिंग सेल से गोनियोब्लास्ट इनिशियल मिलके बना देते हैं, पहले शुरू में पेरिकार्प और बाद में चल के ये सब डेवलपमेंट होता है एक प्लेसेंटल सेल में और इस प्लेसेंटल सेल से कार्पोस्पोरोफाइट बनते हैं और फिर ये पेरिकार्प इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ कन्वर्ट हो जाता है एक कप, क्लोज कप जैसे स्ट्रक्चर में, अनशेप स्ट्रक्चर में बेटर टू से, जिसे हम कहते हैं सिस्टोकार्प। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, आप इन्हें एक पेन कॉपी पर लिखकर रिमाइंड करते रहिएगा। ये शॉर्ट नोट्स जो आप बनाते हैं
डायग्राम्स और डायग्राम्स के साथ शॉर्ट नोट्स, उससे आपको पूरा जीनस विद इन फ्यू मिनट्स रिवाइज हो जाता है। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में मेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेट होती है, प्लांट हेटेरोथैलिक है, डायोशियस है, यानी गैमेटोफाइट में भी मेल प्लांट अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। गैमेटोफाइट है तो दोनों ही हैप्लॉइड हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हम एक्स या एन से इन्हें डिनोट करते हैं। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। स्पर्मेटेंजिया एंथ्रिडियम का ही एक दूसरा नाम है स्पर्मेटेंजिया, और जैसे एंथ्रिडियम के अंदर एंथेरोजाइट्स बनते हैं, इसी तरीके से पॉलीसाइफोनिया में स्पर्मेटेंजिया के ऊपर स्पर्मेशियम बनते हैं। तो ये पहला स्पोर स्पर्मेशियम ऑफ कोर्स हैप्लॉइड। इधर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कार्पोगोनियल फिलामेंट बनते हैं, और कार्पोगोनियम के अंदर एग बनता है, ऑफ कोर्स सीएबी हैप्लॉइड होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, एक्विटिक प्लांट है, मैरीन प्लांट, समुद्र में मिलता है पानी में, इसलिए स्पर्मेशियम को कार्पोगोनियम के एग तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो एक पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डबल सेट होते हैं इसमें क्रोमोसोम्स के, इसे हम 2x या 2n भी लिखते हैं। तो ये गैमेटोफिटिक फेज यहाँ खत्म हो गई है जाइगोट से पहले, और जाइगोट से शुरू हो गई है स्पोरोफिटिक फेज। यूजुअली जाइगोट डेवलप कर जाता है एक डिप्लॉयड प्लांट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए पॉलीसाइफोनिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट है, और एग्जाम में निश्चित मानिए कि ये आता ही आता है। इस तरीके से यदि आपने पॉलीसाइफोनिया को पढ़ लिया तो आप और आपके पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये जाइगोट आगे चल के डेवलप करता है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस गोनियोब्लास्ट फिलामेंट। मियोसिस अभी तक कहीं नहीं होगी जब तक मैं आपसे एम्फेसाइज नहीं करूंगी, आप डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही हैं। कार्पोस्पोरेंजिया बनते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं कार्पोस्पोर्स, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड, और ये एक प्लांट होता है जो डिपेंडेंट करता है और सपोर्ट भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, टोटली डिपेंडेंट होता है ये कार्पोस्पोरोफाइट, जिसके अंदर कार्पोस्पोरेंजियम और कार्पोस्पोर्स बन रहे हैं फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। ये सारा फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर ही प्रोसेस चल रहा है। अब ये कार्पोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं फिर से पानी में आकर, और ये किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर डेवलप करते हैं, और यहाँ पर फिर बनता है टेट्रा स्पोरोफाइट। ध्यान दीजिए, ये टेट्रा स्पोरोफाइट असेक्सुअल प्लांट है। देखने में ये टेट्रा स्पोरोफाइट एग्जैक्टली गैमेटोफाइट के जैसा होता है, लेकिन इसके ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं करते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप करते हैं, और इन टेट्रास्पोरेंजियम में अब देखिए मियोसिस होगी। मायोसिस अब होगी कहाँ? टेट्रास्पोरेंजियम में। तो इस तरीके से जाइगोट से लेकर टेट्रास्पोरेंजियम में टेट्रास्पोर मदर सेल तक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और मेन एक और प्लांट फेज है कार्पोस्पोरोफाइट, और स्पोर बनता है कार्पोस्पोर, और फिर यहाँ डेवलप होता है टेट्रास्पोरोफाइट, और इस टेट्रास्पोरोफाइट में डेवलप होता है टेट्रास्पोरेंजियम, और मायोसिस होकर यहाँ बनते हैं टेट्रास्पोर्स। इस तरीके से हैप्लॉइड जनरेशन फिर से रिगेन हो जाती है, दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये टेट्रास्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट और
फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में आपने देखा कि थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, गैमेटोफाइट फेज, मेल एंड फीमेल प्लांट हेटेरोथेलिक है ये, डायोशियस, दूसरी फेज कार्पस स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है ये, और डिपेंडेंट करती है गैमेटोफाइट के ऊपर, स्पेसिफिकली फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। थर्ड फेज है टेट्रा स्पोरोफाइट। यदि अब हम इनको लाइफ साइकिल के पैटर्न में देखें, साइक्लिक पैटर्न में, तो गैमेटोफाइट डेवलप करता है कार्पस स्पोरोफाइट को, और ये कार्पस स्पोरोफाइट इन टर्न डेवलप करता है टेट्रा स्पोरोफाइट को, और टेट्रा स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल की सेकेंड साइकिल का गैमेटोफाइट डेवलप करता है। यदि अब हम डिप्लोबायंटिक की बात करें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन से ये बनाता है कार्पस स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है, और ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन से टेट्रा स्पोरोफाइट बनाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होकर कार्पस स्पोरोफाइट बनता है जो बनाता है टेट्रा स्पोरोफाइट को, और यहाँ पर मायोसिस होकर गैमेटोफाइट बनता है। हम क्रोमोसोम नंबर को फिर से क्लियर करें, स्पर्मेशियम और मेल गैमेट जो हैप्लॉइड होता है, एग हैप्लॉइड होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पस स्पोर्स बनते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं। तीन तरीके के स्पोर्ट्स मिलेंगे, तीन तरीके के प्लांट मिलेंगे, तीन तरीके के स्पोर्ट्स मिलेंगे, और स्पर्मेशियम या मेल गैमेट साथ के साथ एग जो कि हैप्लॉइड होंगे, कार्पस स्पोर्स जो कि डिप्लॉइड होंगे, टेट्रा स्पोर्स फिर से हैप्लॉइड नेचर के होंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेट्रा स्पोर जर्मिनेट इंटू मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पर्मेशियम, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एग, फर्टिलाइजेशन डेवलप इंटू कार्पस स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और कार्पस स्पोरोफाइट पर डेवलप होते हैं कार्पस स्पोर्स, ये जर्मिनेट करके बनाते हैं टेट्रा स्पोरोफाइट, और मियोसिस के प्रोसेस के बाद डेवलप होते हैं हैप्लॉइड टेट्रा स्पोर्स। ये ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल का फिर से एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो आपके माइंड को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये स्टार्ट से लाइफ साइकिल हम शुरू कर रहे हैं, ये फर्स्ट फेज ब्लैक एरो देखिए, सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज ट्राइफेजिक। फिर से शुरू करते हैं, गैमेट्स बनते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट, दिस इज द गैमेटोफिटिक प्लांट फेज वन, फर्स्ट एरो गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स, और यहाँ पर ये फेज एंड हो जाती है गैमेटोफिटिक फेज, और डेवलप करती है जाइगोट सेकेंड फेज स्पोरोफिटिक फेज, ये देख रहे हैं डिप्लॉइड फेज, और जाइगोट के अंदर सिंपल डिवीजन होता है माइटोसिस, नेवर कंफ्यूज, मियोसिस केवल टेट्रा स्पोरोफाइट के ऊपर टेट्रा स्पोरेंजियम में होगी, माइटोसिस जिससे डेवलप होता है कार्पस स्पोरोफाइट, तो ये एक और डिप्लॉइड फेज का एक सेक्शन, सेकेंड फेज, डिप्लॉइड की फर्स्ट फेज, लाइफ की सेकेंड फेज। ये कार्पस स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं कार्पस स्पोर्स जो जर्मिनेट होकर बनाते हैं टेट्रा स्पोरोफाइट, और ये आपकी लाइफ की थर्ड फेज या डिप्लॉइड फेज की सेकेंड फेज। इस तरीके से मायोसिस और फिर से बन जाते हैं टेट्रा स्पोर्स। तो थ्री फेजेस आर क्लियर, गैमेटोफाइट, कार्पस स्पोरोफाइट, टेट्रा स्पोरोफाइट। थ्री स्पोर्स आर क्लियर, गैमेट्स मेल एंड फीमेल, कार्पस स्पोर्स एंड टेट्रा स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस है, ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमेटोफाइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ टेट्रा स्पोर्स, प्लांट हेटेरोथेलिक होता है, डायोशियस भी कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर स्पर्मेशियम बनते हैं जिन्हें मेल गैमेट भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर कार्पोगोनियम बनते हैं जिसमें एग होता है, फर्टिलाइजेशन से
कार्पस स्पोरोफाइट बनता है और बाद में टेट्रास्पोरोफाइट। थोड़ा सा कार्पस स्पोरोफाइट की बात करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का एक लॉन्ग सीक्वेंस चलता है और ये डिप्लॉइड फेज होती है। गोनियोब्लास्ट फिलामेंट्स होते हैं जिनके ऊपर कार्पस स्पोरेंजिया बनते हैं और ये सब फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहता है अपने डिपेंडेंसी के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। और यहाँ पर कार्पस स्पोर्स बनते हैं, यहाँ से ये फिर से वाटर में लिबरेट होकर टेट्रास्पोरोफाइट बना देते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट की बात करते हैं तो ये कार्पस स्पोर्स से जर्मिनेशन से बनता है। ये भी गैमेटोफाइट की तरह फोटोसिंथेटिकल इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट होता है और ये मियोसिस से टेट्रास्पोर्स बनाता है जो जर्मिनेट होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने की जो स्ट्रॉ होती हैं, उसमें हम एक स्ट्रॉ को बीच में रखकर उसके साइड्स में 6 स्ट्रॉ और रख के एक बंडल बनाते हैं तो वो पॉलीसाइफनस स्ट्रक्चर हो जाता है। एक स्ट्रॉ माने एक साइफन और 7 स्ट्रॉ हमने एक संग रख दी तो वो हो गया पॉलीसाइफनस स्ट्रक्चर। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए इसे, यदि आप एक स्ट्रॉ मान लेते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं पॉलीसाइफनस स्ट्रक्चर। ये आपको पिट कनेक्शंस दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ सिस्टर सेल्स में पिट कनेक्शंस। आपको पिट कनेक्शंस बनाने की एफिशिएंसी ही एग्जामिनर से मार्क्स दिलाएगी। आप ये ध्यान रखिए कि मार्क्स एग्जामिनर से लेने हैं आपको, इसलिए आप अपना प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनाइए कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे ही दे, उसका पेन मार्किंग देने में आपको ऊपर की ओर ही चले। तो इसलिए आप ये पिट कनेक्शन ध्यान से देखिए जो आपको ड्रॉ करने हैं। सेंट्रल साइफन में पिट कनेक्शन सारे पेरी सेंट्रल सेल्स से, और पेरी सेंट्रल सेल में लेफ्ट साइड और राइट साइड की सेल से भी पिट कनेक्शन। इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म पूरे प्लांट में कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहता है। ये और एडवांस स्टेज, इसमें साइफन्स साइड में पेरिसेंट्रल रिंग्स कई बन गई हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है कॉर्टिकल सेल्स। ये इसका टीएस है। ये सिंपल फिलामेंट ग्रोथ एपिकल सेल से एपेक्स पर सिचुएटेड, इस तरीके से डिविजन्स हो रहे हैं। ब्रांच इनिशियल दिख रहा है आपको, ब्रांच का डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, डायग्राम से ही दिखाना है। ये आपको एक ब्रांच को हम यहाँ ट्राइकोब्लास्ट कह देते हैं और प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोब्लास्ट इसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, इसलिए आप ट्राइकोब्लास्ट शब्द को जरूर यूज करेंगे लेबलिंग में। ट्राइकोब्लास्ट, हर सेल का अपना न्यूक्लियस, रेड एल्गी है, क्रोमेटोफोर्स। आप रेड कलर यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन आप पर्पल ऑरेंज कलर से ये बना सकते हैं। पिट कनेक्शंस, सेंट्रल साइफन, और आप इस तरीके से दिस इज द गैमेटोफिटिक प्लांट। यही स्ट्रक्चर टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट का भी होगा। आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं लाइफ साइकिल, अब आप डायग्राम्स को समझ रहे हैं। यही स्ट्रक्चर टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट का भी होगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि यदि इसके ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तब ये गैमेटोफिटिक प्लांट होगा, और यदि इसके ऊपर क्या डेवलप होंगे, टेट्रास्पोरेंजियम, यदि इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया डेवलप होते हैं तब ये टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट होगा। ये मैंने आपको एक डायग्राम अच्छे से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से एपिकल सेल और ये डिवाइड होकर नया प्लांट बना रही है। ये लाइफ साइकिल की तीनों फेजेस को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। 4 टेट्रास्पोर्स, इनमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, 2 फीमेल में डेवलप होंगे और 2 मेल में डेवलप होंगे। मायोसिस का एंड प्रोडक्ट होता है 4 स्पोर्स। यदि होमोथैलिक प्लांट होगा मोनोशियस
तब चारों स्पोर्स एक से होंगे। यदि हेटेरोथैलिक प्लांट होगा डायोशियस, तब दो स्पोर्स पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे, दो स्पोर्स नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। तो डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट में एंड मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करते हैं स्पर्मेटेंजियल क्लस्टर, जैसे शहतूत होता है मलबेरी उस टाइप का स्ट्रक्चर, और इसमें इस तरीके से स्पर्मेटेंजियम, और इनके ऊपर ये स्पोर स्पर्मेशियम। फीमेल प्लांट आपको मैंने टर्म्स यूज बताए थे, प्लेसेंटल सेल। प्लेसेंटल सेल से आप ये देखिए, फीमेल प्लांट कार्पोगोनियल फ्लामेंट और ये कार्पोगोनियम, आर्किगोनियम कह सकते, आर्किगोनियम कहते रहे हैं हम इसको ब्रायोफाइट्स में। यहां हमने टर्म यूज किया है कार्पोगोनियम, ये बेस इसका, और ये इसमें एक लंबी सी नेक ट्राइकोगाइन प्लेसेंटल सेल से निकल रहे हैं। फोर्थ डी स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप इसे, जैसे एक जूते का डिब्बा होता है, शू बॉक्स, उसमें चारों साइड से स्ट्रक्चर्स निकलना है। एक साइड से कार्पोगोनियल फिलामेंट, बेस से बेसल स्टराइल इनिशियल, लेटरल साइड से लेटरल स्टराइल इनिशियल्स, और ये आसपास का टिश्यू डेवलप कर रहा है एक आर्म शेप की स्ट्रक्चर, प्रोकार्प। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे घड़ा होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। एक्वेटिक प्लांट है, स्पर्मेशिया वाटर करंट से ट्राइकोगाइन के ऊपर आ जाते हैं, और ट्राइकोगाइन की वॉल दिख भी रहा है यहाँ क्लियर, आपको एग्जामिनर को दिखाना भी होगा, डिसॉल्व हो जाती है, और ये न्यूक्लियस फ्यूज होता है कार्पोगोनियम, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्लाज्मोगेमी भी, हाथ की हाथ कैरियोगेमी भी, और दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ने मिलकर बनाया एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब आगे का डेवलपमेंट इसी प्लांट के ऊपर, फीमेल प्लांट के ऊपर यहीं पर कंटिन्यू करेगा, और ये स्ट्रक्चर यहाँ फीमेल प्लांट के ऊपर सिचुएटेड है। कार्पो ट्राइकोगाइन, कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन ड्राई ऑफ होने लगती है, ये आसपास के स्ट्रक्चर्स बढ़ने लगते हैं, और ये इस तरीके का एक अनशेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये डेवलपमेंट मैं आपको अभी और समझाऊंगी। इस तरीके से ये नया प्लांट गोनिमोब्लास्ट के बाद कार्पो स्पोरोफाइट बनता है, ये आप देख रहे हैं। ये कार्पो स्पोरोफाइट्स बहुत छोटे छोटे हैं, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट फ्यू सेल्ड, इसमें ऊपर की सेल काम करने लगती है कार्पो स्पोरेंजिया की तरह, और इसमें डेवलप होता है कार्पोस्पोर, और ये यहाँ ओस्टियोल ये माउथ से रिलीव हो जाता है कार्पोस्पोर। सब एक से होते हैं क्योंकि माइटोसिस से बने हैं, और ये डेवलप करते हैं एक और प्लांट में फेज थर्ड कैटास्पोरोफाइट। देखने में एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है गैमेटोफाइट से, लेकिन जब रिप्रोडक्शन का समय आता है तब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और इसके ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं, और इन टेट्रास्पोरेंजियम में मियोसिस होती है और नियोस्पोर्स टेट्रास्पोर्स बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर सिंगल सेट रह जाता है, हैप्लॉइड एक्स या गैमेटोफाइट को समझने के लिए सेंट्रल साइफन पिट कनेक्शंस क्लियर हैं, पेरिसेंट्रल साइफन्स, और बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होकर ये देख रहे हैं आप,
ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्पर्मेट एंजल मदर सेल और हरेक स्पर्मेट एंजल मदर सेल से कुछ स्पर्मेट एंजिया, जिसके एक स्पर्मेट एंजियम के अंदर एक ही स्पर्मिशियम। यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये शैतूत जैसा या मलबेरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये रियल स्टेज लाइफ में, रियल लाइफ में ओरिजिनल प्लांट की एक स्लाइड है जो दिखा रही है। ये एंथ्रियोडियल मास कह दीजिए, वापिस से ये स्पर्मेटेंजियम या एंथ्रियोडिया। इस तरीके से एक स्पर्मेटेंजियम के अंदर एक ही स्पर्मिशियम बन रहा है। और जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड रेड एरो के पास, ये यहाँ रिलीव हो जाता है पानी में। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोकार्प कार्पोगोनियम, ये कार्पोगोनियल फ्लामेंट, इस तरीके से कर्व है ये सी शेप में। यहाँ से देखिए ये इस तरीके से कर्व है। कार्पोगोनियम का बेस, स्वेलन बेस, ट्राइकोगाइन, और इस तरीके से ये यहां पर स्पर्मेशियम आ जाता है। और ये इस तरीके से इसका फ्यूजन न्यूक्लियस का फीमेल गैमेट से, और ये जाइगोट का प्रोसेस। साथ ही साथ आगे का डेवलपमेंट ये यहाँ पर बहुत ज्यादा, ये डायग्राम आपको लाइफ साइकिल में एग्जाम में देना होगा, इसलिए आप इस लाइफ साइकिल को अब तक जितना भी पढ़ा है सारी मेमोरी को रिकॉल करके यही डायग्राम आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सपोर्टिंग सेल टर्म्स यूज में आपने पढ़ा था, डेवलपमेंटल फेजेस में भी आपने पढ़ा था। फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोब्लास्ट शब्द आपको याद रखना है, ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। इसके ऊपर सपोर्टिंग सेल, और यही सपोर्टिंग सेल डेवलप कर रही है। आप ये देखिए कर्व शेप सी शेप कार्पोगोनियल ब्रांच में, कार्पोगोनियल फ्लामेंट कहेंगे, और टॉप की सेल बना रही है कार्पोगोनियम मदर सेल। आसपास की सेल्स भी आप देखिए डिवाइड हो रही हैं और डेवलप कर रही है। ये आपको ध्यान रखना है, आसपास की सेल्स भी डिवाइड हो, इस तरीके से साइज भी बड़ा हो रहा है, नंबर भी बदल रहा है। पेरिसेंट्रल्स ये देखिए दो हैं, एक दो तीन, ये सेल्स थोड़े बड़े हो गए हैं, ये साइज बड़ा हो गया है प्लांट का कंपैरेटिवली। और ये कार्पोगोनियल फ्लामेंट यहाँ क्लियर है, कार्पोगोनियम स्वेलन बेस विद न्यूक्लियस, आप देखिए बिल्कुल क्लियर है न्यूक्लियस। और ये ट्राइकोगाइन, स्पर्मेशियम रिलीज होते हैं वाटर से, यहां आ जाते हैं। मीन वाइल ये स्ट्रक्चर अंड शेप का बनता है, ये देख रहे हैं प्रोकार्प बन रहा है, प्रोटेक्शन के लिए भी स्पोर्स इसमें सेकेंड फेज डेवलप होने वाली है, कार्पोस्पोरोफाइट के प्रोटेक्शन के लिए भी कार्पोस्पोर्स को रिलीव करने के मैकेनिज्म भी। और भी स्ट्रक्चर्स बनने लगे हैं, बेसल स्टराइल इनिशियल, लेटरल स्टराइल इनिशियल, मैंने एग्जांपल दिया था शू बॉक्स का, जूते के डिब्बे का, जिसमें चारों साइड से स्ट्रक्चर निकल रहा है, लेटरल स्टराइल इनिशियल, बेसल स्टराइल इनिशियल, कार्पोगोनियल फ्लामेंट।
और ये अनशेप स्ट्रक्चर। मुश्किल नहीं है, आप बनाएंगे आसानी से बनेगा, समझना होगा और एग्जामिनर को समझाने के हिसाब से बनाना होगा। इस डायग्राम को माइंड में सेट कर लीजिए कि ये डायग्राम आपको बनाना है, जितनी अच्छी लेवलिंग उतने अच्छे मार्क्स। जितना क्लियर डायग्राम, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाई स्कूल में पढ़ते थे फिजिक्स, कितने बार प्रैक्टिस करते थे डायग्राम्स की, मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले कितनी बार अच्छे अच्छे से याद करते हैं, तो फिर बॉटनी के डायग्राम्स क्यों नहीं। मार्क्स तो बॉटनी को भी 100 ही मिलने हैं, जैसे जूलॉजी और केमिस्ट्री को। तो जितनी मेहनत केमिस्ट्री में उतनी मेहनत बॉटनी में भी क्यों नहीं करनी चाहिए ना हम लोगों को। हम करेंगे तो बल्कि कंपेरेटिवली हमें इजीली मार्क्स मिलेंगे और हमारी परसेंटेज अच्छी बनेगी। कभी कभी किसी एक डायग्राम पर ही हमारी परसेंटेज टिकी होती है, माइंड सेट हमारा बन जाता है। जितना मैंने इस लेक्चर में आपको अब तक पढ़ाया उसको अच्छी तरह से रिकॉल करिए, इस क्लास को दोबारा देखिए, आप इस डायग्राम को खुद ही बहुत अच्छे से बना पाएंगे। मैं भी ध्यान रखूंगी, एक अलग से अपना लेक्चर बनाऊंगी, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट डायग्राम। अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ गैमेटोफाइट एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल प्लांट्स ऑफ द गैमेटोफाइट क्लस्टर ऑफ एंथ्रेडिया। मेल प्लांट के ऊपर, फीमेल प्लांट के ऊपर बाद में चल के सिस्टोकार्प डेवलप हो जाता है। सेम डायग्राम जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था, यहां मैंने कार्पोस्पोर्स को क्लियरली दिखाने की कोशिश की है। ये सपोर्टिंग सेल बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका हेडिंग ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ जाता है, पॉलीसाइफोनिया में जायगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को डायग्राम बनाते हुए, लेबल करते हुए मेंशन करिए, एक्सप्लेन करिए। वापिस उसी डायग्राम पर, सपोर्टिंग सेल, बेसल स्टराइल इनिशियल्स, लेटरल स्टराइल इनिशियल्स, एक और सेल बनती है सपोर्टिंग सेल से ऊपर, ऑक्सिलरी सेल। मैंने आपको बहुत ध्यान से याद कराई थी, स्पेलिंग भी बताई थी, ऑक्सिलरी सेल। कार्पोगोनियल फिलामेंट एक कर्व स्ट्रक्चर है और ये कर्व होकर सपोर्टिंग सेल के पास की तरफ आ जाता है और कार्पोगोनियम के बेस और सपोर्टिंग सेल के बीच में एक नई सेल डेवलप हुई है। आप ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी सेल। और अब कार्पोगोनियम का डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोटिस डिवीजन से डिवाइड होता है, माइटोसिस, और दो न्यूक्लियाई क्लियर दिखाने हैं, बहुत क्लियर बनाना है डायग्राम। दो न्यूक्लियाई यहाँ बन जाते हैं जिसमें से ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम के बेस से एक नया प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनता है। देखिए क्लियर हो रहा है, यहाँ ओब्लास्ट कहते हैं। इससे कार्पोगोनियम बेस से डिप्लॉइड एग ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सिलरी सेल। शुरू में मैंने आपको टर्म्स यूज और डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये सब दिखाया हुआ है डायग्राम्स में, यहाँ क्लियर हो रहा है। कार्पोगोनियम बेस में माइटोसिस से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई और कार्पोगोनियम बेस से ऑक्सिलरी सेल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन एडजस्ट हो डेवलप हो रहा है और इस एडजस्टमेंट से एक न्यूक्लियस आ जाता है ऑक्सिलरी सेल। अब हमारा कार्पोगोनियम और इस फिलामेंट का फंक्शन इज ओवर।
ये सब मिक्स होने लगता है, सारा स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग सेल, प्लेसेंटल सेल, ऑक्सिलरी सेल, ये सब मिक्स हो जाता है, कार्पोगोनियल फिलामेंट, और एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनता है गोनिमोब्लास्ट ट्यूशन। आप फिर से जाकर उसको देखिएगा, टर्म्स यूज एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को। ये सब मैं आपको बाय वर्ड तो याद करा चुकी हूँ, बाय डायग्राम सब दिखा रही हूँ। गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, अब शुरू हो रही है हमारा सेकेंड फेज लाइफ साइकिल का, और ये सब आपस में गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, ऑक्सिलरी सेल, सपोर्टिंग सेल, कार्पोगोनियल फिलामेंट डेवलप करके बना देता है प्लेसेंटल सेल। और यहां से डेवलप करते हैं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, कार्पो स्पोरेंजियम, फ्यू सेल स्ट्रक्चर, ऊपर की सेल डेवलप हो जाती है कार्पो स्पोरेंजियम में, जो रिलीव करती है एक कार्पो स्पोरेंजियम एक कार्पोस्पोर। ये सब स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, आप इसको ध्यान से नोट करते जाइएगा, डेवलप करके एक अंड शेप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब हमने प्रोकार्प से बनाया है सिस्टोकार्प, एक ओपनिंग है, होलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सेकेंड फेज लाइफ की एग्जिस्ट कर रही है। देखिए यहाँ क्लियर प्रेजेंटेशन है, कार्पो स्पोरेंजिया, हर कार्पो स्पोरेंजियम से निकल रहा है एक कार्पो स्पोर, डिप्लॉइड होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये वाला जो आउटर कवरिंग है ये हैप्लॉइड है, क्योंकि ये गैमेटोफाइट से बनी हुई है, इसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर केवल प्लेसेंटल सेल से शुरू हो रहा है इस फेज में। कार्पोगोनियम में माइटोसिस हुई थी, एक न्यूक्लियस आ गया था ऑक्सिलरी सेल में, और ये ऑक्सिलरी सेल सपोर्टिंग सेल सबसे मर्ज होकर मिक्स हो गई और इसने बनाया प्लेसेंटल सेल। इसलिए प्लेसेंटल सेल इज द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है, जिसमें कार्पोस्पोरेंजिया बन रहे हैं और हर कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर एक कार्पोस्पोर, ये स्ट्रक्चर्स डिप्लॉयड। ये इस अंड शेप से सिस्टोकार्प से रिलीव होता है, एक्वेटिक प्लांट है, वाटर में मूव करके सेटल हो जाता है सबस्ट्रेटम पर, और वर्टिकल डिविजन्स बाद में और डिविजन्स होते हैं, और ये एक नया प्लांट बनाएगा टेट्रा स्पोरोफाइट फेज थ्री, ट्राइफेजिक है फेज थ्री। तो यहां से लेकर यहां तक हमने फेज टू को पढ़ाया, फेज टू इज रिप्रेजेंटेड बाय द कार्पो स्पोरोफाइट। फेज टू शुरू हुई जाइगोट से, फर्टिलाइजेशन के बाद से एग्जिस्ट करी कार्पोस्पोरोफाइट, जो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर ही, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, और जिसने बनाया डिप्लॉयड कार्पोस्पोर, और ये कार्पोस्पोर टर्मिनेट कर देता है फेज टू को, ये जर्मिनेट करके बना देता है फेज थ्री द टेट्रा स्पोरोफाइट। ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होगा, ये क्लियर प्रेजेंटेशन एग्जाम के लिए। ये डायग्राम आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ ना करें, आउटलाइन बनाकर छोड़ दें, लेकिन इस डायग्राम को क्लियर कर दें।
आउटलाइन बना दें, डॉट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर डायग्राम, क्लियर मार्क्स, जितना अच्छा आपका डायग्राम उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। पेरिकार्प, ओस्टियोल, रिलीजिंग कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोरेंसियम, कार्पोस्पोरोफाइट, ये इन नेचर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले प्लांट की एक स्लाइड। वास्तव में ये ऐसा दिखता है, सिस्टोकार्प और उसके अंदर कार्पोस्पोरोफाइट। देखिए नेचर का मैजिक, नेचर कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। गैमेटोफाइट प्लांट, सारे साइफन्स क्लियर हैं, बेस और ये सिस्टोकार्प, ओस्टियोल, और ये किस तरीके से डेवलपमेंट। रिगार्डिंग द टेट्रास्पोरोफाइट, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको समझाया था, जैसा कि गैमेटोफाइट का होता है। जब रिप्रोडक्शन का समय आता है ये फर्क हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है टेट्रास्पोरेंजियम का, पेरिसेंट्रल सेल। इतना डिटेल में आप ना जाएं, आप सिर्फ इतना याद कर लें कि टेट्रास्पोरेंजियम बनते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर। आप ये स्ट्रक्चर एग्जाम में ना भी दें, सिर्फ ये वाला डायग्राम दें एग्जाम। टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर टेट्रास्पोर मदर सेल रही, जिसमें मायोसिस हुई, जिससे कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर टेट्रास्पोर्स बने। टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, टेट्रास्पोरेंजियल मदर सेल भी डिप्लॉइड है और टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड है। इस तरीके से सेकेंड डिप्लॉइड फेज प्लांट साइकिल, प्लांट की लाइफ साइकिल की थर्ड फेज यहाँ ओवर होती है। ये स्पोर्स रिलीव हो जाते हैं इस तरीके से। मैंने आपको बताया था कि ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, दो पॉजिटिव स्ट्रेन के, दो नेगेटिव स्ट्रेन के, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फेज वन गैमेटोफाइट, फीमेल एंड मेल प्लांट, फेज टू कार्पोस्पोरोफाइट, फेज थ्री टेट्रास्पोरोफाइट। स्पोर्स काउंट करते हैं, पहले नंबर पर मेल गैमिट स्पर्मिशियम, फीमेल गैमिट एग, दूसरे नंबर पर कार्पोस्पोर्स डिप्लॉइड हैं और तीसरे नंबर पर टेट्रास्पोर्स हैप्लॉइड है। आप ध्यान देंगे प्लांट्स में एक प्लांट हैप्लॉइड था, दो प्लांट्स डिप्लॉइड थे, स्पोर्स में एक स्पोर डिप्लॉइड है, उल्टा है। कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड स्पोर्स बनाता है कार्पोस्पोर्स, डिप्लॉइड प्लांट बनाता है टेट्रास्पोरोफाइट। इसलिए डिप्लॉइड प्लांट या स्पोरोफिटिक प्लांट्स तो दो हैं, लेकिन स्पोर एक है ओनली कार्पोस्पोर। जायगोट को हम स्पोर में काउंट नहीं कर रहे हैं, टेट्रास्पोर एंड कर रहे हैं हैप्लॉइड जनरेशन को, मायोसिस से बन रहे हैं। और गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये भी हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आई होप कि आपको ये हाथ याद हो गई होगी। फिर भी आप क्वेश्चन चैट बॉक्स से मेरे पास भेज रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और आप व्हाट्सएप से भी क्वेश्चंस बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट, एकदम क्लियर कट लाइन, हैप्लॉइड जनरेशन और ये डिप्लॉइड जनरेशन। आप दो
कलर का इस्तेमाल करिए, जैसे पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो हैप्लॉइड जनरेशन को पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल नीले पेन से। ये डिप्लॉइड जनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की लाइन, और ये लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, अगेन मियोसिस एंड हैप्लॉइड, फर्टिलाइजेशन एंड डिप्लॉइड, एंड दिस साइकिल इज मूविंग ऑन, इसमें लाइफ इज मूविंग ऑन। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दीज आर द थ्री प्लांट्स, ट्राइफेजिक, थ्री स्पोर्स एंड डिप्लोबायंटिक। वन प्लांट इज हैप्लॉइड बेयरिंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, थर्ड प्लांट इज डिप्लॉइड बेयरिंग द टेट्रास्पोरेंजियम, सेकेंड फेज इज डिपेंडेंट ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट द कार्पोस्पोरोफाइट। आई होप कि आपको ये सब अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगेन मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, टेट्रास्पोर्स डाइमॉर्फिक होंगे, दो डेवलप करेंगे मेल गैमेटोफाइट में, दो डेवलप करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट के ऊपर आप देख रहे हैं स्पर्मेटेंजियल क्लस्टर, जिनके अंदर स्पर्मेटेंजिया, जिनके अंदर स्पर्मेशियम, जो रिलीव हो जाता है वाटर करेंट। फीमेल प्लांट के ऊपर सारा सेटअप, प्रोकार्प, कार्पोगोनियल फ्लामेंट, कार्पोगोनियम, ट्राइकोगाइन के ऊपर अटैच हो जाता है स्पर्मेशिया, और यहाँ डिजोल्व हो जाती है सेल वॉल, ये अंदर आकर न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और सारा मर्ज होकर प्लेसेंटल सेल, सिस्टोकार्प, इसके अंदर बनता है कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोर्स डिप्लॉइड, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉइड, टेट्रास्पोरेंजियम, टेट्रास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, मायोसिस हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स। ये वाला डायग्राम आप हर लाइफ साइकिल में एग्जाम में जरूर देते हैं, और इसमें एक वर्ड की गलती आपके मार्क्स कटाएगी, इसलिए आप एक एक वर्ड संभल के लिखें। इसको ही एग्जाम में बच्चे याद करके चले जाते हैं, फिर तो सारा खुद ड्रॉ कर ही लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया प्लांट, टेट्रास्पोरेंजिया, मायोसिस, टेट्रास्पोर्स, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, कार्पोगोनिया, स्पर्मेशिया, एग, स्पर्म, फाइनली फर्टिलाइजेशन, दिस इज द एंड ऑफ द गैमेटोफिटिक फेज। दो कलर का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कलर शुरू फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट, जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कार्पोस्पोरोफाइट, विद इन द कार्पोस्पोरोफाइट द कार्पोस्पोरेंजिया, एंड विल डेवलप द कार्पोस्पोर्स, दीज विल डेवलप द टेट्रास्पोरोफाइट, दैट्स डिप्लॉइड फेज, अगेन द थर्ड फेज, टेट्रास्पोरेंजिया, then the टेट्रास्पोर मदर सेल एंड मियोसिस, एंड गिविंग राइज टू द गैमेटोफिटिक फेज। सो दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट लेंथी एल्गा, द पॉलीसाइफोनिया। अपने आप को रिमाइंड करिए, मैंने आपको इतनी बार एक्सप्लेन किया है कि आपको याद हो गया होगा। ये डायग्राम ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूं, थ्री फेजेस, दिस ब्लू वन डिप्लॉयड फेज, येलो वन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड दिस इज पिंक वन इज द थर्ड फेज गैमेटोफाइट। नाउ कम टू द टैक्सोनॉमिक पोजिशन।
डिवीजन एल्गी, क्लास याद करिए रोडोफाइसी, रेड कलर इम्पार्ट हो जाता है रेड टू पर्पल कलर, सब क्लास फ्लोरिडी, फ्लोरिडोसाइड होता है इसमें रिजर्वफुल मटेरियल, ऑर्डर सिरेमिल्स, फैमिली रोडोमिलेसी, जीनस पॉलीसाइफोनिया। अगेन टू रिमेम्बर जब हम हाथ से लिखते हैं बोटनिकल नेम को लिखने के बाद उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, दिस इज द राइट वे टू प्रेजेंट द बोटनिकल नेम एंड दिस इज द राइट वे टू गेट द मार्क्स फ्रॉम द एग्जामिनर्स पेन। नाउ कम ऑन टू द आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द लेक्चर। फ्रॉम हियर यू कैन गेट द पॉइंट्स those you have to mention in the entire presentation in your examination answer book. Subdivision algae, thallus simple, chlorophyll present, cell wall composed of cellulose. Thallophyte में दो ग्रुप होते हैं algae and fungi. Chlorophyll present is algae, chlorophyll absent is fungi. Cell wall cellulose की algae में मिली है, काइटिन की बन जाएगी। क्लास रोडोफाइसी, क्रोमेटोफोर्स रेड टू डार्क पर्पल कलर के होते हैं, इरिथ्रो टाइप के पिगमेंट्स इसमें मिलेंगे। डिजर्ट फूड मटेरियल फ्लोरिडोसाइट, ध्यान दीजिए ये हम पढ़ते हुए आए, मेल गैमिट्स नॉन मोटाइल, फ्लैजिलन नहीं थे, स्पर्मेशियम कहा था हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर याद आया आपको, कार्पोगोनियम जिसमें लगा हुआ था ट्राइकोगाइन जिसने की स्पर्मेशियम को रिसीव करा था, और हमने पढ़ा था ऑन अनशेप स्ट्रक्चर and post-fertilization changes is cystochar. Subclass Floridae, basically filamentous thallus, dekha tha humne gametophyte ko. Pit connections between sister cells, central cell, pericentral cell, among the left and right pericentral cells. More than one chromatophore, and finally highly specialized carpogony. देखिए हम सब यही पढ़ते हुए आए, यही identifying characters. Order Sirenales, thallus, pluralis thalli, unitumulti, axial polysiphonous or filaments. Trichoblast present, family Rhodomyelaceae, axis polysiphonous, main axis surrounded by the pericentral. ये डायग्राम हमने बनाया, प्लांट्स बुशी स्पेरिंगली ब्रांच, बहुत तेजी से ब्रांच शाखाओं में बढ़ जाता है, जीनस पॉलीसाइफोनिया और नाम के नीचे अंडरलाइन, अल्टीमेट ब्रांचेस अनकॉर्टिकेटेड।